एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अपूर्वा एंड अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल। मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट के बारे में। अगर आप लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकती हैं। सो आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं एक और मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी के बारे में। बहुत दिन हो गए थे, काफ़ी रिक्वेस्ट भी आई थी सक्सेस स्टोरीज लेकर आइए। सो फाइनली मैं आज एक ऐसी मैनिफेस्टेशन स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जो आपको कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट करने में 7 डेज का टाइम लेगी। हो सकता है बिकॉज ये जो टेक्निक है ये इतनी पावरफुल है, हो सकता है विद इन 7 डेज आपका काम हो जाए। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें थोड़े ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं तो आपको कुछ टाइम के लिए उसको लेट गो करना पड़ेगा एंड चीज़ें डेफिनेटली होंगी। मेरी एक पर्सनल फेवरेट मैनिफेस्टेशन मेथड है 555 मैनिफेस्टेशन मेथड, ये हमेशा काम करती है मेरे लिए। एंड 777 थोड़ा सा कह सकते हैं 2 दिन बड़ा वर्जन है इसका, बट बिलीव मी जितने भी स्क्रिप्टिंग टाइप के मेथड्स होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वो बहुत पावरफुली मैजिकली काम करते हैं, स्पेशली जिसमें इन्वॉल्वमेंट हो पेन एंड पेपर का। वो चीज़ बहुत अच्छे से कह सकते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करती है एंड मैनिफेस्टेशन होती है। ठीक है, सो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ऐसे ही एक मैनिफेस्टेशन स्टोरी के बारे में जो मैनिफेस्ट की गई है वाया 777 मैनिफेस्टेशन मेथड। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मैनिफेस्टेशन स्टोरी के बारे में एंड कैसे ये जो मेथड है 777 आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं, जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। 777 जो मैनिफेस्टेशन मेथड है वो 2 तरीके से काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, सो हम लोग उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। बट मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, आप इस मेथड को किसी भी सिचुएशन को मोल्ड करने के लिए इसकी हेल्प ले सकते हैं, कुछ भी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। एंड 7 डेज रिचुअल्स होते हैं, जो 11 डेज रिचुअल्स होते हैं ये बहुत ही पावरफुल होते हैं। मैं पर्सनली 555 या फिर 1111 11 डेज का जो मेथड होता है या फिर ये 777 999 888 जिस टाइप के मेथड्स होते हैं, मैं इनको एज अ रिचुअल देखना पसंद करती हूँ बिकॉज ये रिचुअल की तरह ही फॉलो किए जाते हैं। राइट, डेली आपने अपने इंटेंशन पे एनर्जी डालनी होती है। राइट, सो हाँ डेफिनेटली काम करते हैं बिकॉज हम डेली उस चीज पे एनर्जी दे रहे हैं, बिकॉज जहां पे हम एनर्जी देते हैं, जहां हम अपना फोकस देते हैं वहां पे एनर्जी ग्रो होती है। जहां हमारा फोकस जाता है वहां एनर्जी ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है एंड बिलीव मी वहीं से मैनिफेस्टेशन स्टार्ट होती है। एंड राइटिंग के जितने भी रिचुअल्स होते हैं या फिर कह सकते हैं मेथड्स होते हैं, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने में हेल्प करते हैं जो कि जल्दी काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले बात कर लेते हैं मैनिफेस्टेशन स्टोरी के बारे में। एंड एक और चीज़, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिगनर हैं, ट्रस्ट इशूज़ हैं, बिलीफ इशूज़ हैं, मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप डेली दो से तीन मैनिफेस्टेशन स्टोरीज़ को देखना, सुनना, समझना स्टार्ट करो। ये बेसिकली आपकी खुद की मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, ये कभी कभी आपके लिए गाइडेंस भी बन सकती है। कभी कभी आप लॉस्ट फील करते हो, आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि कौन सा मेथड आपने फॉलो करना चाहिए अपने स्पेसिफिक सिचुएशन को लेके, सो आप भी ये सब चीज़ें फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं स्टोरी को रीड करने वाली हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टोरी है ये मुझे भेजी गई है वाया व्हाट्सएप। अगर आपकी भी मैनिफेस्टेशन स्टोरी है तो आप उसे यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। सो यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट होती है, हाय अपूर्वा दी, आपसे एक सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है। आई एम रजनी एंड माय एज इज 24। मैंने लास्ट ईयर ही आपकी वीडियो गाइडेंस से अपनी मैरिज मैनिफेस्ट करी है, जिसमें मैंने सिर्फ स्क्रिप्टिंग विद मेडिटेशन एंड अफर्मेशंस यूज़ करे हैं और मुझे कमिटमेंट मिल गई एंड मैरिज भी हो गई। अब मुझे एक दुबई का ट्रिप मैनिफेस्ट करना था बट मेरा मन नहीं था इस बार स्क्रिप्टिंग करने का, सो मैंने आपकी एक वीडियो देखी 777। वो खुद ही रिकमेंडेशंस में आ गई जिसमें हम 7 डेज तक अपनी विश को लिखते हैं 77 टाइम्स फील करके। तो मैंने एफर्मेशन ली कि आई एम इन दुबई विद माई हस्बैंड, थैंक यू यूनिवर्स। एंड लिखते हुए सोचती थी कि हम दुबई में घूम रहे हैं। 7 डेज बाद मैंने लेट गो कर दिया और मैं वहाँ की यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी एंड यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दिखाती थी। एंड ठीक 1 मंथ बाद एक मैजिक हुआ, मेरे हस्बैंड को कंपनी की तरफ से भेजा जा रहा था फॉर अ 1 वीक एक प्रोजेक्ट के लिए, वो भी इन दुबई। व्हेन ही केम बैक उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया एंड आई वाज शॉक्ड। मैंने कभी भी डिस्कस नहीं किया कि मुझे दुबई घूमने जाना है। उस दिन मेरा ट्रस्ट मैजिक पे और बढ़ गया। अभी हमारा ट्रिप पूरा हो गया है एंड सब अच्छा गया है। आपसे ये शेयर करना था, मैं फोटोज़ भी शेयर कर रही हूँ बट प्लीज़ ये पब्लिकली आप डालना मत, आप स्टोरी शेयर कर सकते हो। थैंक यू रजनी। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस रजनी आपकी ट्रिप के लिए एंड आपकी मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी के लिए एंड थैंक यू सो मच इसको यहाँ पे शेयर करने के लिए। बहुत टाइम एक्चुअली में हो चुका था कि मैंने इस टेक्निक के ऊपर डिस्कशन नहीं किया था एंड ये बहुत
टाइम पहले मैंने ये वीडियो शेयर किया था जब मैंने अपना नया नया चैनल स्टार्ट किया था, तो बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं एक्चुअली में जो टेक्निक्स बहुत सारी हैं बट वो बहुत अंडररेटेड हैं। तो अगर आपने अभी तक 777 के बारे में नहीं सुना है, कभी ट्राई नहीं किया है, सुना है तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई करना। ये 7 days का रिचुअल है एंड 7 days की अलग ही इंपॉर्टेंस होती है। लाइक इन हुडू ट्रेडिशन हम लोग फॉलो करते हैं 7 days कैंडल रिचुअल, 7 days पेटिशन रिचुअल, ये सब टाइप के रिचुअल्स होते हैं जो 7 days लगातार करने होते हैं। एंड अगर आप 777 मैनिफेस्टेशन मेथड करते हो, ये कुछ उस टाइप की ही एनर्जी रखता है, बट ये इतना सिंपल है कि इसे हर एक कोई कर सकता है। इट्स नॉट समथिंग कि आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, आपको बस एक पेन चाहिए, पेपर चाहिए। सो अगेन वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच इसको यहाँ पे शेयर करने के लिए रजनी। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं 777 रिचुअल के बारे में, आप इसे कैसे कर सकते हो एंड क्या क्या थोड़े बहुत चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ। इसको बेसिकली 2 तरीके से लोग फॉलो करते हैं। रिचुअल 7 days तक फॉलो किया जाता है, दैट इज़ ट्रू, ठीक है। बट कुछ लोग क्या करते हैं, इसको 77 times एफर्मेशन को लिखते हैं, कुछ लोग सिर्फ 7 times एफर्मेशन को लिखते हैं। मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ 77 times। इसके पीछे रीज़न ये है, जितना आप लिखोगे, ठीक है, जितना आप लिखोगे, जितनी देर तक आप लिखोगे, जितनी देर तक आप उसमें इंटेंशन डालोगे, फोकस करोगे, उस चीज़ पे एनर्जी ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी एंड वो चीज़ जल्दी मैनिफेस्ट होती है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 7 times एफर्मेशन लिखोगे वो चीज़ काम नहीं करेगी। मैंने यहाँ पे एक चीज़ बोली है, इंटेंशन इज़ द की। आपकी इंटेंशन जितनी स्ट्रांग होगी, जितना स्ट्रांगली आप उस चीज़ के बारे में सोचोगे, फोकस करोगे एंड फील के साथ आप उस, कह सकते हैं, उस रिचुअल को, मेथड को करोगे, वो चीज़ उतनी ही पावरफुल होगी, राइट। सो आपने बेसिकली क्या करना है, अगर आप चाहें तो कलर मैजिक यूज़ कर सकते हैं, सपोज रेड फॉर पैशन, ठीक है, रिलेशनशिप के लिए आप इसमें रेड यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को आप जल्दी मैनिफेस्ट करने के लिए रेड यूज़ कर सकते हैं। रेड इज़ द कलर ऑफ मैनिफेस्टेशन एज वेल, ठीक है, तो आप रेड को ओवरऑल भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप यू नो मनी के लिए सपोज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यू कैन गो विद ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रीन इज़ वेरी गुड फॉर ग्रोथ, सक्सेस। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इनमें से, आप नॉर्मली ब्लू पेन का यूज़ कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट कि आप ब्लैक को थोड़ा अवॉइड करो, ठीक है। सो आपने बेसिकली क्या करना है, जो भी आपकी इंटेंशन है, जैसे इनकी एफर्मेशन थी, ऐसे ही आपने अपनी एफर्मेशन बनानी है। सपोज आप इन जनरल कुछ भी लक अट्रैक्ट करना चाहते हो, मैंने बहुत टाइम पहले एक एफर्मेशन बताई थी, आई एम लकी, एंड उसने बहुत लोगों की लाइफ चेंज करी है, ठीक है, तो आप इसके साथ भी इस चीज़ को कर सकते हो। या फिर कोई स्पेसिफिक इंटेंशन आपकी है, आप उसके साथ भी काम कर सकते हो। सपोज करो आई एम लकी इज योर इंटेंशन, ठीक है, तो आपने सपोज पिक किया है 77 वाला रिचुअल, तो आपने अपने मन में जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, आपको सपोज फ्री गिफ्ट्स मिल रहे हैं, लोग आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, आपके काम इजीली बिना ऑब्स्टिकल के हो रहे हैं, आपने उस टाइप की इमेज को अपने माइंड में घुमाना है, ठीक है। ये हर एक पर्सन के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, सबकी लाइफ डिफरेंट है, सबकी लाइफ में चीज़ें डिफरेंट हैं, तो आपने उस चीज़ को अपने माइंड में घुमाना है, ठीक है। उसके बाद आपने आराम से धीरे 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 अपनी उस एफर्मेशन को लिखना शुरू करना है। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस रिचुअल आई विल सजेस्ट कि आप मेडिटेट कर लो, माइंड को शांत कर लो, ठीक है, जिससे माइंड जितना शांत होगा उतना ही आपका फोकस अच्छे से लगेगा उस रिचुअल में। एंड मेक श्योर कि आपकी लाइफ की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, कंप्लेंट्स हैं, वो उस टाइम के लिए आप उसके बारे में ना सोचें, ठीक है, आपका सारा का सारा फोकस आपके गोल पे होना चाहिए, ठीक। आपने उस चीज़ को लिखना है, सपोज आई एम लकी, आप इसमें थैंक यू यूनिवर्स लगा सकते हैं, आई एम सो ग्रेटफुल लगा सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, आपकी एफर्मेशन है, आपकी विश है, आप जितना चाहे उतना क्रिएटिव हो सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप एक लाइन के अंदर अंदर इस चीज़ को कंप्लीट कर दें। 2 में भी आ रहा है तो भी चलेगा स्टिल, बट हाँ, जितना शॉर्ट एंड प्रिसाइज वो चीज़ होगी उतना ही आपके लिए अच्छा है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं बताती हूँ, हमेशा जब भी आप इसको लिखते हैं अपने माइंड में उस इंटेंशन को रखना है एंड एक इंटेंशन अपने लिए डालनी है कि वट एवर आई एम थिंकिंग हेयर राइट नाउ, जो भी आपके इंटेंशन आप चला रहे हैं अपने माइंड में, वो आपके हैंड से चैनल होके, आपके पेन से चैनल होके उस पेपर में जा रही है, बेसिकली यू आर एनर्जाइजिंग इट, ठीक है। सो आपने अपने माइंड में उस चीज़ को चलाते चलाते आराम से लिखना है एंड जब आप लिखते हैं उसको बोलो एफर्मेशन को कि आई एम लकी, थैंक यू यूनिवर्स, एंड उन शब्द को जो आप लिख रहे हो उन शब्दों को आप स्कैन करो, देखो, तो आप देखना आपका सारा फोकस, आपका राइटिंग, हर एक चीज़ उस टाइम उस रिचुअल में एक तरीके से अपने आप को झोंक देना है, सब कुछ अपना, कह सकते हैं, पूरा फोकस देना है। एंड आपने इसको 77 times लिखना है। अगर आप 7 times वाला रिचुअल करते हैं तो आप 7 times उस एफर्मेशन को लिखेंगे, 7 times वाला रिचुअल जल्दी खत्म हो जाएगा, ऑब्वियसली पता है, 77 वाला थोड़ा सा टाइम ले सकता है, 15-20 मिनट, डिपेंड्स कि आपकी एफर्मेशन कितनी लंबी है। सो आपने अपनी एफर्मेशन को, सेम एफर्मेशन, सेम वर्ड्स को, कुछ चेंजेस नहीं होने चाहिए,
आपने उसको लिखना है 77 टाइम्स. जैसे आपका ये रिचुअल खत्म होता है, आपने अपनी डायरी नोटबुक जो भी है बंद करना है, साइड में रख देना है. नेक्स्ट डे आपने उसको फिर से रिपीट करना है. ठीक है, नेक्स्ट डे आप चाहे तो सेम टाइम पे कर सकते हैं. टू मेक इट मोर पावरफुल आप उसको 7 बजे कर सकते हैं. सुबह के 7 बजे आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, शाम के 7 बजे आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज हम यहाँ पे 7 की पावर को यूज कर रहे हैं. ठीक है, आपने नेक्स्ट डे सेम एफर्मेशन को लिखना है, सेम फोकस के साथ हर एक तरीके से आपने अपने आप को झोंक देना है उसमें. एंड आपने अपनी विश लिखनी है 77 टाइम्स या फिर 7 टाइम्स, डिपेंड्स कि आप कौन सा रिचुअल कर रहे हो. आपने ऐसे लगातार 7 डेज तक इसे फॉलो करना है. 7 डेज फॉलो करने के बाद आप इसे करके भूल जाएं. अगर 1% आपकी जो विश है वो इससे पहले विद इन 7 डेज कंप्लीट हो भी जाती है, बट स्टिल आपने 7 डेज का अगर प्रॉमिस किया है डिवाइन को, यूनिवर्स को, आप उस 7 डेज तक कंप्लीट करो, इवन इफ वो चीज़ कंप्लीट हो चुकी है. इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है. ठीक है, एंड एक चीज़ और, इसके बाद आपने लेट गो करना है. लेट गो इन द सेंस कि आपने ज़्यादा उसके बारे में फोकस नहीं करना है, कैसे आएगा, कब आएगा, किस तरीके से आएगा. इट्स नॉट योर हेडेक, यूनिवर्स की हेडेक है. आप चाहे एडिशनली एफर्मेशन को दिन में चलते फिरते उठते बैठते चैंट कर सकते हैं, अपने मन में उस चीज़ को एक तरीके से रिसाइट कर सकते हैं, या फिर आप अपनी विश से रिलेटेड सबलिमिनल सुन सकते हैं. ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप सिर्फ यही कह सकते हैं मेथड फॉलो करें, उसके बाद आप और मेथड्स फॉलो नहीं कर सकते. पहले आई यूज़ टू थिंक एक्चुअली व्हेन आई वाज अ बिगनर इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि आप अगर एक आपने मैनिफेस्टेशन मेथड किया है अपनी एक विश के लिए, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते. उसके बाद मैंने और एक्सपेरिमेंट्स करे, मैंने स्क्रिप्टिंग भी करी सपोज एक विश के लिए, 777 भी कर लिया, मैं मिरर मैनिफेस्टेशन मेथड फॉलो कर रही हूँ, एफर्मेशन फॉलो कर रही हूँ, तो मैं कुछ सब कुछ फॉलो कर रही हूँ एक साथ में. एंड आई रियलाइज्ड कि जो मेरी विश है वो और स्ट्रांग होती चली जा रही है एंड वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो रही है. सो अगर आपको इंट्यूटिवली आता है कि आप और मल्टीपल मेथड्स को इसके बाद भी फॉलो करें, जो भी आपको इंट्यूटिवली आता है, यू कैन. लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एज सच कोई रूल्स नहीं है, हम प्योर डिवाइन पावर के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा नहीं कुछ नेगेटिव हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा. इसमें कुछ भी नेगेटिव गलत नहीं होता है, ये कम्प्लीटली सेफ है. ठीक है, सो आप इस तरीके से किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो विद दिस मेथड. ठीक है, अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप सिर्फ 7 डेज का लेके 7 टाइम्स इसको ले सकते हो अपने मन में, या फिर आप 77 टाइम्स फॉलो करो. 77 टाइम्स ऑब्वियसली जब आप किसी चीज़ को बार 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 इतना मल्टीपल टाइम्स लिखते रहोगे, वो चीज़ डेफिनेटली आपके लिए काम करेगी. सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम हो रहा है, जहाँ सबकॉन्शियस माइंड ने उस सजेशन को एक्सेप्ट कर लिया, वहीं से आउटर रियलिटी आपकी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी. सो ये इतना पावरफुल है. सो डू ट्राई दिस टू मेक इट मोर पावरफुल. आप इसे फुल मून के दिन स्टार्ट कर सकते हो, न्यू मून के दिन स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज फुल मून न्यू मून्स की एनर्जी अगर आप इन्वॉल्व करते हो अपने रिचुअल्स में, अपने मेथड्स में, वो उस दिन और पावरफुली आपके लिए काम करते हैं. ठीक है, पोर्टल्स के लिए भी ऑब्वियसली. ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे. एंड वंस अगेन रजनी, थैंक यू सो मच इसको यहाँ पे शेयर करने के लिए. मुझे मौका मिला इस मेथड को डिस्कस करने का यहाँ पे काफ़ी टाइम बाद, एंड आई एम श्योर ये बहुत लोगों को हेल्प करेगा. सो अब आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही. मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें. मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू एंड बाय. थैंक यू सो मच.